ये मेरे फादर हैं और उनको टंग के अंदर कैंसर हुआ था आज से करीबन 3-4 महीने पहले। और हम लोग को जब भी पता चला तो हम लोग ने उनका टेस्टिंग करवाया, तभी पता चला कि टंग में कैंसर है। तो तभी हम लोग ने सोचा कि कैंसर के लिए ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, तो डॉक्टर सुल्तान प्रधान के पास गए थे और सुल्तान प्रधान ने बोला कि टंग काटना पड़ेगा, हाफ ऑफ द टंग जाएगा, कट हो जाएगा। और हम लोग ने जब ये सुना तो हम लोग को शॉक लगा। और हम लोग ने जब भी पिताजी को बताया तो पिताजी रेडी नहीं हुए, उन्होंने बताया कि नहीं मुझे टंग नहीं कटवाना है। तो हम लोग ने अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने का स्टार्ट किया और हम लोग को ये पता चला कि आयुर्वेदिक में एक वागलधारा हॉस्पिटल है वलसाड़ के नज़दीक, और वहाँ पर हम लोग ने जाके 11 दिन का ट्रीटमेंट लिया और वापस आए। वहाँ पर भी कुछ फायदा नहीं हुआ, तो हम लोग ने बाद में और सर्च करने का स्टार्ट किया कि और कोई अल्टरनेटिव सोर्स है जिससे हम लोग कैंसर को प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो तभी हमें पता चला जस्ट डायल से कि डॉक्टर भल्ला जो है वो कैंसर एब्लेशन कर रहे हैं। तो हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया कि भाई आप आओ और मेरे को मिलो, और पर्सनली कांटेक्ट करके हमको बुलाया। हम भी उनके पास गए और उनके साथ बात किया, 2-3 सिटिंग में बात करके हमको जब भी बराबर लगा कि हाँ उनकी बात में कुछ खास बात है, तो हमने उनके पास एब्लेशन करवाया हॉस्पिटल में जाके। और आज 3 महीना हो गया है और फादर को जो टोटल कैंसर है वो पूरा पूरा हो गया है और उनका कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी खाना भी खा सकते हैं, उनका टोटल वेट जो थ्रू आउट पहले से था अभी भी ऐसा ही है, और कोई जात की कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं आ रही है। और अभी उनका टोटल जो कैंसर है वो 3 महीने के बाद अच्छा हो गया है और वो हम लोग आउट ऑफ डेंजर अभी हो रहे हैं और धीरे धीरे और होते जाएंगे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा। और हम लोग इसके लिए डॉक्टर भल्ला के आभारी है।